Atmospheric pressure and the gauge pressure. The pressure of the atmosphere at any point is equal to the weight of column of air of unit cross-section area extending from that point to the top of the atmosphere. उस पॉइंट से लेके टॉप ऑफ द एटमोस्फियर तक आपको एक ट्यूब लेना है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो यूनिट यानी कि 1 मीटर स्क्वायर और उसका जितना वेट होगा दैट वेट इज इक्वल्स टू द प्रेशर ऑफ एटमोस्फियर एट द सी लेवल इट इज फाउंड टू बी 1.013 क्रॉस 10 रेज टू 5 पास्कल सी लेवल पे प्रेशर कितना होता है 1 बार 1 बार यानी 1.013 cross 10 to 5 Pascal. Italian scientist Evangelista Trocchi devised for the first time a method for measuring atmospheric pressure. A long glass tube closed at the one end and filled with the mercury, inverted into a trough of mercury as shown in the figure. ये figure में देखो. एक इन्वर्टेड मतलब उल्टा ट्यूब है जिसके अंदर मर्क्यूरी फिलर है और उसको वापस मर्क्यूरी के अंदर ही रख देना है समझ में. दिस डिवाइस इज नोन एज मर्क्यूरी बैरोमीटर. इस डिवाइस का क्या नाम बना मर्क्यूरी बैरोमीटर. बैरोमीटर यानी इंस्ट्रूमेंट नीडेड टू मेजर द प्रेशर. द स्पेस अबव द मर्क्यूरी कॉलम इन द ट्यूब कंटेंट्स ऑन द मर्क्यूरी वेपर whose pressure P is so small that it may be neglected. वही टेस्ट ट्यूब में देखोगे तो ऊपर एक पोर्शन है जहाँ पे लिक्विड नहीं है इंशर्ट मर्क्यूरी नहीं है उसमें क्या हो सकता है मर्क्यूरी का वेपर बट वो मर्क्यूरी के वेपर का जो प्रेशर है वो क्या होगा निग्लेजेबल तो उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं एंड दस द प्रेशर एट पॉइंट ए इक्वल्स टू जीरो ये रहा पॉइंट ए जस्ट अपर सरफेस ऑफ द mercury liquid that pressure equals to what zero the pressure inside the column at point b must be same as that pressure at point c which is the atmospheric pressure and then pa equals to rho g h kisi b point pe baat karte hain here the point b here the point c dekho ye mercury ke andar ka aisa mercury tube rakhte hain na to aisa depression create अकॉर्डिंग टू द पास्कल लॉ हमने बोला था कि लिक्विड के सारे सेम हाइट वाले पॉइंट पे प्रेशर क्या रहता है सेम रहता है तो एक्चुअली सेम हाइट यहाँ पे आता है बट ये थ्रू दिस लास्ट ट्यूब की वजह से ऐसा थोड़ा डिप्रेशन गया है तो ये बी एंड सी जो है वो इक्विवेलेंट माने जाएंगे और सी जो सीधा एटमोस्फेयर के कंडीशन में है तो इस पे कौन सा प्रेशर हुआ एटमोस्फेयरिक प्रेशर तो बी पे भी कौन सा प्रेशर होगा एटमोस्फेयरिक प्रेशर पास्कल लॉ पढ़े थे ना सेम हाइट पे हो तो सेम प्रेशर वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी एंड एच इज द हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम इन द ट्यूब इन दिस एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड दैट मर्क्यूरी कॉलम इन द बैरोमीटर हैज द हाइट ऑफ अबाउट 760 सेंटीमीटर एट द सी लेवल इक्विवेलेंट टू 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर नाउ पहले एक लॉजिक पढ़ते हैं बाद में वो सेंटेंस कमिंग समझाता हूं सपोज यहां पे प्रेशर बढ़ जाएगा अगर यहां पे प्रेशर बढ़ेगा तो कॉलम में मर्क्यूरी का हाइट भी इंक्रीज होगा आया समझ में मतलब कि दिस प्रेशर इज रिलेटेड विद द हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम जब ये एक्सपेरिमेंट सी लेवल पे किया गया कहाँ पे किया गया सी लेवल पे तो वो हाइट एग्जैक्टली यहां से लेके ऊपर ए पॉइंट तक का हाइट जो एच है वो कितना मिला 760 सेंटीमीटर या तो फिर 760 mm और ये एटमोस्फेरिक प्रेशर है और एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 1 bar and that's why prove हुआ कि 1 bar equals to how much mm 760 mm of Hg and this can be also obtained using the value of rho in the equation 760 ये जो pressure था pressure p equals to हमने क्या लिखा था rho g h pressure को 1 bar ले ले यानी कि 1.013 cross 10 raise to 5 pascal ले ले rho mercury का ले ले density g equals to 9.8 ले ले तो आपको h मिलेगा That H is nothing but 760 centimeter. Calculation करोगे same to same आएगा. Common way of starting pressure is in terms of the centimeter or mm of mercury. जब pressure measure करते हैं,
उसका कॉमन वे कौन सा है, बैरोमीटर यूज करेंगे तो बैरोमीटर में मर्क्यूरी आता है, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं सेंटीमीटर ऑफ एच जी या तो फिर एमएम ऑफ एच जी। और प्रेशर इक्विवेलेंट टू 1 mm इज कॉल्ड टॉर, प्रेशर का दूसरा यूनिट है टॉर, टॉरिक भी आए थे ना अभी साइंटिस्ट, उनके ऑनर्स में बोला जाता है टॉर। दिस टॉर इक्वल्स टू 133 पास्कल, वन टॉर इक्वल्स टू हाउ मच पास्कल, 133 पास्कल। द एमएम ऑफ एच जी एंड टॉर आर यूज इन मेडिसिन एज वेल एज साइकोलॉजी, मेडिसिन और साइकोलॉजी के प्रेशर में कौन सा यूनिट यूज किया जाता है, सॉरी माय मिस्टेक, फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी और मेडिसिन फील्ड में कौन सा यूज किया जाता है, एच जी एंड एम एम ऑफ एच जी एंड टॉर यूनिट। इन अ मेट्रोलॉजी अ कॉमन यूनिट इज बार एंड मिलीबार, जब मेट्रोलॉजी के साथ डील कर रहे हो, साइंस की मेट्रोलॉजी फील्ड में वर्क कर रहे हो, तो प्रेशर के लिए कौन सा यूनिट यूज किया जाता है, बार और मिलीबार। और 1 bar इक्वल्स टू एग्जैक्टली बोलने जाए तो 1.01313 या फिर 1 × 10⁵ पास्कल, और इसको इग्नोर करना है तो 10⁵ पास्कल। An open tube barometer is useful instrument for measuring the pressure difference. एक open tube manometer होता है, वो भी U shape में ऐसे, आगे कहीं आया था, ऐसे draw किया हुआ था, ऐसे वो chemistry में आया था, equilibrium वाले chapters में, vapor pressure measurement के लिए। तो ऐसे U tube shape में mercury होता है, दोनों column में same height मतलब pressure equivalent है। अगर यहाँ पे pressure बढ़ता जाएगा तो ये height भी बढ़ता जाएगा। फिर ये हाइट यहाँ पे पहुंचा तो इसका और इसके बीच में जो डिफरेंस क्रिएट हुआ वो डिफरेंस से आपको क्या मिल सकता है, प्रेशर। इट कंसिस्ट ऑफ अ यू ट्यूब कंटेनिंग सुटेबल लिक्विड, एक यू ट्यूब होता है जिसके अंदर लिक्विड फिलअप हुआ होता है, लो डेंसिटी लिक्विड सच एज ऑयल फॉर मेजरिंग स्मॉल प्रेशर डिफरेंस एंड हाई डेंसिटी लिक्विड सच एज मर्क्यूरी फॉर मेजरिंग लार्ज प्रेशर डिफरेंस। स्मॉल प्रेशर डिफरेंस मेजर करना है तो ऑयल, लार्ज प्रेशर डिफरेंस मेजर करना है तो मर्क्यूरी। वन एंड ऑफ द ट्यूब इज ओपन इन द एटमॉस्फेयर, एक एंड एटमॉस्फेयर में ओपन होता है एंड द अदर एंड इज अ कनेक्टेड टू द सिस्टम हुज प्रेशर इज प्रेशर वी वांट टू मेजर। जैसे मैंने वापस केमिस्ट्री को याद करवाया था, थोड़ा बड़ा ट्यूब फिगर टू, तो केमिस्ट्री में हमने ऐसा किया था इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, ओके, वेपर फेज चेंज करने के लिए सिस्टम था, तो एक एंड सिस्टम के साथ कनेक्ट होता है, दूसरा एंड ओपन होता है कहाँ पे, एटमोस्फेरिक कंडीशन में। आया समझ में? द प्रेशर पी एट द पॉइंट ए इज इक्वल टू द प्रेशर एट द पॉइंट बी, व्हाट वी नॉर्मली मेजर इज द गेज प्रेशर एंड विच इज पी माइनस पी ए। गेज प्रेशर क्या होता है, पी माइनस पी ए, गेज प्रेशर प्लस एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू टोटल प्रेशर होता है, टोटल प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर किया तो यू विल गेट गेज प्रेशर। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये कंक्लूड किया था, ओके। नाउ इक्वेशन इज प्रोपोर्शनलिटी गिवन बाय द इक्वेशन 10.8 एंड दैट इज द प्रोपोर्शनल टू द मैनोमीटर हाइट एच, दिस पी माइनस पी ए इज द गेज प्रेशर एंड गेज प्रेशर इक्वल्स टू हमें मिलेगा रो जी एच, दैट इज प्रोपोर्शनल टू हाइट, हाइट ऑफ मैनोमीटर। आ गया, मैंने ट्रू नहीं किया होता तो भी चलता, दिस इज द सिस्टम। तो एक एंड कहाँ पे कनेक्ट होता है, सिस्टम पे, दूसरा एंड कहाँ पे कनेक्ट होता है, सॉरी कहाँ पे ओपन होता है, एटमॉस्फेयर। और ना हम जो यहाँ पे ए एंड बी की बात कर रहे थे ना, और शायद मैंने यहाँ पे ए और बी ए ले लिया था, इस फिगर का ए एंड बी बात नहीं हो रही थी, ए इज इक्वल टू द प्रेशर एट बी, मतलब कि इस फिगर की बात हो रही थी, ये दोनों सेम लेवल पे है तो ए और बी का प्रेशर क्या है, सेम। तो यहाँ पे से लेके जो प्रेशर का डिफरेंस बनेगा ये सीप और सिप किसकी वजह से बनेगा, ये हाइट की वजह से। आया समझ में? तो P माइनस P इज द गेज प्रेशर एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू द हाइट एच। अगर हाइट बढ़ेगा तो प्रेशर डिफरेंस बढ़ जाएगा, हाइट कम होगा तो प्रेशर डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। द प्रेशर इज सेम एट द सेम लेवल ऑन द बोथ द साइड ऑफ यू ट्यूब कंटेनिंग अ फ्लूइड। फॉर लिक्विड द डेंसिटी वेरीज वेरी लिटल ओवर अ वाइड रेंज इन अ प्रेशर एंड टेम्परेचर and we can treat as it a safely as a constant for our present purposes. हमने ऐसा लिक्विड लिया है, इन शॉर्ट हमने मेटल लिया है, मेटल में मर्क्यूरी लिया है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, लिक्विड। वो ऐसा लिक्विड है कि जिसका वॉल्यूम चेंज होने वाला नहीं है, इसका
ओके डेंसिटी नॉट वॉल्यूम, जिसका डेंसिटी वेरी करने वाला नहीं है, किसके साथ? प्रेशर के साथ। प्रेशर तो यहाँ पे चेंज हो ही रहा है ना, प्रेशर में मेजर कर, प्रेशर के अंदर जो डिफरेंस है वही मेजर कर रहे, तो प्रेशर के साथ उसका डेंसिटी चेंज नहीं हो रहा, डेंसिटी वेरीज वेरी लिटल ओवर अ वाइड रेंज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑल्सो, एंड सो हम उसको एज अ कॉन्स्टेंट सेफली हम उसको क्या कंसाइड कर सकते हैं, क्या ट्रीट कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट। गैसेस ऑन द अदर हैंड एग्जिबिट्स अ लार्ज वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद चेंजेस इन द प्रेशर एंड टेम्परेचर, अनलाइक गैसेस लिक्विड्स आर देयरफॉर लार्जली ट्रीटेड एज इनकम्प्रेसिबल। ओके, दूसरी जगह पे अगर गैसेस की बात करें तो गैसेस में ज्यादा वेरिएशन हो सकता है, किसमें? डेंसिटी में, क्योंकि प्रेशर अप्लाई करोगे वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा उनका, गैसेस के बीच में पता है ना एटम्स के बीच में जगह ज्यादा होता है, तो व्हेन यू अप्लाई द प्रेशर क्या चेंज हो जाएगा? वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, और वॉल्यूम चेंज होगा तो डेंसिटी चेंज हो जाएगा। अनलाइक गैसेस लिक्विड आर देयरफॉर लार्जली ट्रीटेड एज इनकम्प्रेसिबल, इसलिए लिक्विड जो है वो इनकम्प्रेसिबल कंसिडर किया जा रहा है, किसके कंपेरिजन में? गैस के कंपेरिजन में। आया अप टू नाउ समझ में? आया ना? ओके, जो भी हम पढ़े यहाँ तक उसका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन जो करते हैं उसको बोला जाता है हाइड्रोलिक मैकेनिक्स। क्या बोला जाता है? हाइड्रोलिक मैकेनिक्स। हम पार्ट पढ़े पहले मैकेनिक्स के, बेसिक लॉ पढ़े मोशन के बारे में, फिर हम थोड़े प्रॉपर्टीज पे गए केमिस्ट्री में, सॉरी फिजिक्स में, और फिर हम उसका मैकेनिक्स एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं। तो हाइड्रोलिक, ये जो हम अभी लिक्विड की प्रॉपर्टीज पढ़े उसका यूज कहाँ पे होता है, दैट इज नोन एज हाइड्रोलिक मैकेनिक्स, और हाइड्रोलिक मैकेनिक्स पे जो वर्क करता है उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक मशीन्स। लाइक वो यूज होता है लिफ्ट में, या तो फिर ब्रेकिंग सिस्टम्स में, फिर हाइड्रोलिक चेकिंग सिस्टम्स आपने देखा होगा, वो नहीं आते बड़े बड़े डंपर ऐसे जैक होता है, हाइड्रोलिक की वजह से होता है, देखा है ना जैक, एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर, दूसरा सिलेंडर के अंदर तीसरा बड़ा सिलेंडर होता है, फिर प्रेशराइज होता है तो वो ऊपर जाता है, फिर जब प्रेशर कम होता है तो नीचे हो जाता है, दे आर दी हाइड्रोलिक मशीन्स। तो समझते हैं उसको, हमें सिर्फ प्रिंसिपल समझने हैं। लेट अस नाउ कंसिडर व्हाट हैपन व्हेन वी चेंज द प्रेशर ऑन द फ्लूइड कंटेन इन अ वेसल्स। कंसिडर अ हॉरिजॉन्टल सिलेंडर विथ अ पिस्टन एंड थ्री वर्टिकल ट्यूब्स एट अ डिफरेंट पॉइंट्स एज शोन इन द फिगर। ये रहा आपका पिस्टन, और तीन अलग अलग शेप के ट्यूब है, उसको कंसीडर करना है ना। अगर पिस्टन को ऐसे शिफ्ट करोगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे तो क्लोज एंड है, प्रेशर इंक्रीज होगा ना, और दैट्स व्हाई ये तीनों में इक्वली प्रेशर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके समझते हैं। द प्रेशर इन द हॉरिजॉन्टल सिलेंडर इज इंडिकेटेड बाय द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम इन अ वर्टिकल ट्यूब्स, इट इज नेसेसरीली सेम इन ऑल। सब में हाइट क्या है, देखो सबका लिक्विड फिलअप किया है ना, सेम हाइट पे है और सेम ही हाइट पे रहेगा, क्योंकि हमने बोला था कि लिक्विड में सेम हाइट पे पॉइंट हो तभी हम मान सकते हैं कि प्रेशर क्या है, सेम है। इफ यू पुश द पिस्टन द फ्लूइड लेवल राइजेस इन ऑल द ट्यूब्स अगेन रीचिंग्स टू द सेम लेवल इन ईच वन ऑफ देम। मैंने बोला कि अगर आप पिस्टन को अंदर ले जाओगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, और प्रेशर जो इंक्रीज हो रहा है वो तीनों में बढ़ जाएगा इक्वली, और इसलिए तीनों का लेवल सेम राइज होगा, ऐसा नहीं कि एक का ज्यादा हो दूसरे का उससे कम, तीनों का लेवल सेम राइज होगा, क्योंकि प्रेशर क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। जब आप यहाँ से इसको अंदर लेके आओगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, मानो कि ये इधर आया तो ए लिक्विड भी लेवल इधर ही आएगा और ए लिक्विड लेवल भी इधर आएगा, सब में ये जो इंक्रीज इन हाइट है वो क्या रहेगा, सेम। आया समझ में? क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला मिला था हमें रोची एच, दैट डिपेंड्स ऑन हाइट नॉट द सेम, ऑलरेडी वी कंक्लूडेड सेम फिगर से कंक्लूड किया हुआ। दिस इंडिकेट्स दैट व्हेन अ प्रेशर ऑन द सिलेंडर वाज इंक्रीज इट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट। याद रखना है आपको, जब कोई सिस्टम में, वो भी स्पेशली हम लिक्विड पे बात कर रहे हैं, किस पे बात कर रहे हैं, लिक्विड, तो लिक्विड पे अगर प्रेशर बढ़ाते हैं हम तो दैट डिस्ट्रीब्यूट थ्रू इक्वली ओके डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली थ्रू आउट, एंड वी कैन से दैट Whenever external pressure is applied on any part of the fluid contained in a vessel, it is transmitted undiminished and equally in all directions. And this is another form of the Pascal's law, and it has many applications in a dilemma. ये और कुछ नहीं, Pascal's law का दूसरा application. पहले भी हमने Pascal's law को इसी form में पढ़ा था कि each and every direction में क्या
क्या होगा, प्रेशर सेम होगा। ओके अब हम बोल रहे हैं कि अगर हम किसी सिस्टम में प्रेशर दे रहे हैं तो वो यूनिफॉर्मली क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। आया समझ में? नंबर ऑफ डिवाइस सच एज द हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, अभी मैं बात कर रहा था हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, हाइड्रोलिक लिफ्ट आपने देखे होंगे, लिफ्ट जब ऊपर जाता है ना तो एक पाइप होता है, वैसे इलेक्ट्रिक लिफ्ट होता है, तो हमारे पास मोटर पे रन करते हैं वो केबल के थ्रू, ऊपर मोटर रन होता है तो केबल के थ्रू ऊपर जाते हैं, वो नया टेक्नोलॉजी है। हाइड्रोलिक लिफ्ट भी होते हैं जैकिंग सिस्टम्स में। ओके बाकी आपने हाइड्रोलिक ब्रेक्स सुना होगा, फिर ट्रैक्टर देखा है आपने तो ट्रैक्टर के पीछे पॉली होता है, पॉली हाइड्रोलिक हो ना तो एक ट्यूब आता है जिसको ज्वाइन करते हैं, देन सो ये सब होता है। फिर आपकी व्हीकल्स की जंपिंग सिस्टम में भी हाइड्रोलिक जंपर्स होते हैं, जंपर होता है ना दो ऐसे रॉड होते हैं, उसमें स्प्रिंग जंपर्स बना सकते हैं या तो फिर हाइड्रोलिक जंपर बना सकते हैं। तो हाइड्रोलिक का काफी सारे एप्लीकेशन है। स्प्रिंग यानी कि मैकेनिकल सिस्टम हुआ, उसमें जर्क आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके बट हाइड्रोलिक हो तो जर्क आ नहीं सकता क्योंकि प्रेशर क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आया समझ में यहाँ तक? बाकी ना तो आप देखना जो बड़े बड़े स्पॉट बाइक्स होते हैं ना उसमें एक सिंगल जंपर रहता है सीट के नीचे। ओके वैसे बहुत नॉलेज है आपको। सो दैट इज द हाइड्रोलिक सिस्टम्स आर बेस्ड ऑन विच लो, पास्कल्स लो। इन दिस डिवाइसेस फ्लूइड्स आर यूज्ड फॉर द ट्रांसमिटिंग द प्रेशर। इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट एज शोन इन द फिगर टू पिस्टन्स आर सेपरेटेड बाय अ स्पेस्ड फिल्ड विद द लिक्विड। दो पिस्टन सेपरेट किए जाएंगे जिसके अंदर क्या फिलअप किया हुआ है, लिक्विड, तो एक रहा पिस्टन ही रहा और दूसरा पिस्टन ही रहा। ओके नाउ एक कार पहले यहाँ पे थी, कार पार्क हो गई, अभी हमें कम फोर्स देके इस कार को पिक करना है, कम फोर्स देके इस कार को क्या करना है, पिक करना है। हमने यहाँ से फोर्स लगाया, फोर्स लगाया यानी प्रेशर इंक्रीज किया, प्रेशर कहाँ जाएगा, लिक्विड पे जाएगा, और लिक्विड में तो थ्रू आउट यूनिफॉर्मली प्रेशर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वही प्रेशर कहाँ पहुंच जाएगा, इस साइड, जिसके थ्रू ये कार कहाँ जाएगा। अब दिस टाइप ऑफ सिंपल मैकेनिज्म इज नोन एज लिफ्ट, क्या बोलते हैं उसको, लिफ्ट। लिक्विड का प्रॉपर्टी यूज करके हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, दैट मींस के हाइड्रोलिक लिफ्ट। पिस्टन ऑफ स्मॉल क्रॉस सेक्शन A1 जो लेफ्ट हैंड साइड था यूज्ड टू एक्सर्ट अ फोर्स F1 जो आपका वेट है उसका देखना कम है, कम है मतलब कि उसका एरिया क्या हो गया, स्मॉल हो गया, एंड डायरेक्टली ऑन द लिक्विड हम फोर्स F1 लगा रहे हैं, वो सीधा किस पे जाएगा, फिर लिक्विड पे सीधा प्रेशर जाएगा लिक्विड पे। सो द प्रेशर P इक्वल्स टू F1 बाय A1 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया इज अ ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द लिक्विड टू अ लार्जर सिलेंडर अटैच्ड विद द लॉन्गर पिस्टन एरिया इट, वही प्रेशर अकॉर्डिंग टू द पास्कल लॉ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा लिक्विड के अंदर, और वो कहाँ पे जाएगा, क्रॉस सेक्शन नंबर 2, क्रॉस सेक्शन नंबर 2 कौन सा था, A2, तो अकॉर्डिंग टू दैट वहां पे P इक्वल्स टू F2 बाय क्या हो जाएगा, A2, तो नाउ व्हाट इज F2, P इनटू A2, ऐसे समझ में, व्हिच रिजल्ट इन अ अपवर्ड फोर्स P इनटू A2, एंड देयरफॉर पिस्टन इज कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग अ लार्ज फोर्स, लार्ज वेट से द कार और अ ट्रक placed on platform that F2 equals to P into A2. P to fix it, na? What is that? F1 upon A1. Now, मुझे F2 तो हो सके उतना ज्यादा बनाना है, क्यों, क्योंकि मुझे किसको पिक करना है, कार और ट्रक को पिक करना है, बट मैंने F1 क्या रखा हुआ है, कम रखा हुआ है, और A1 भी क्या रखा हुआ है, कम, तो बट ऑब्वियसली मुझे A2 क्या रखना पड़ेगा, ज्यादा, जब A2 ज्यादा होगा तभी F2 क्या बनेगा, ज्यादा, तो कम फोर्स अप्लाई करके ज्यादा फोर्स गेन कर सकते हैं। So by changing a force at A1, the platform can be moved up or down. मैं जो भी फोर्स है यहाँ पे चेंज करूंगा, अगर इसको नीचे प्रेस करूंगा तो प्लेटफॉर्म कहाँ चला जाएगा, ऊपर, अगर इसको रिलीव कर दूंगा ये ऊपर आ जाएगा तो प्लेटफॉर्म भी कहाँ आ जाएगा। आया समझ में? आपने अपने कार का पंचर हो गया हो ना, तो उस पंचर के लिए वो जैक लगाता है, वो भी हाइड्रोलिक जैक होता है, हैंडल लगा, फिर एक की आती है उसको ऐसे कर देता है ना, तो पूरा प्रेशर जो क्रिएट हुआ होता है ना नीचे आ जाता है। फ्लूइड प्रॉपर्टी से, लिक्विड से तो गाइड कर रहा हूँ बट फ्लूइड, एयर को भी प्रेशराइज कर सकते हो। ओके इसीलिए ब्रेकिंग सिस्टम में, हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम में भी ये वो यूज होता है। तो आपने बड़ी बड़ी
प्रवेश देखी होगी, जब वो ब्रेक लगाता है ना तो एयर का आवाज आता है, या तो फिर वो स्टार्ट करता है ना तो पहले एयर फिलअप कर लेता है, समय में वो एयर ब्रेकिंग सिस्टम होता है, इसी पे काम करता है, स्मूथली ब्रेक लगता है, मैकेनिकल ब्रेक में झटके लग सकते हैं। वैसे हमारी टेप हमारी हैबिट होती है ना, ऐसे एक बार पैर लगा के वापस पैर लगाने की, तो हमें झटके लग सकते हैं। यही सिस्टम में, यही हैबिट से अगर कहाँ पे यूज किया जाए, हाइड्रोलिक ब्रेक्स में, तो पैसेंजर को झटने लगेगा, समझ में। दस द अप्लाइड फोर्स हैज बीन इंक्रीज बाय विच फैक्टर, एफ टू के सामने एफ वन, और एफ वन को कितने से मल्टीप्लाई किया है, ए टू बाई ए वन, तो एफ वन इज इंक्रीज हाउ मेनी टाइम, ए टू बाई ए वन टाइम, एंड दिस फैक्टर इज नोन एज मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ डिवाइस। द एग्जाम्पल बिलो क्लैरिफाइड्स जो हमने देखा, एग्जाम्पल तो बाद में देखेंगे, पूरी वैल्यूज जब देखेंगे तो मैं बात करूंगा, बट अभी इतना समझ लो कि वो हमें यूजफुल कैसे हुआ, हमने क्या किया, छोटा सा फोर्स लगाया और सामने क्या मिला, लार्ज फोर्स, ड्यू टू विच रेशियो ए टू बाय ए वन, जिसमें ए वन क्या रखा था हमने स्मॉल और ए टू क्या रखा था बड़ा। आया समझ में, अपना कोई डाउट? सो इट जस्ट एप्लीकेशन हो गया हाइड्रोलिक मशीन। दूसरा है जब फ्लूइड मोशन करता है, फ्लूइड मोशन की बात बाद में करते हैं, बट अभी जो मैंने समझाया वही समझ लेते हैं। ऑटोमोबाइल्स की ब्रेक की बात की थी ना मैंने अभी, ट्रावेल्स की ब्रेक की बात की थी, तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स इन ऑटोमोबाइल्स आल्सो वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल। व्हेन वी अप्लाई अ लिटिल फोर्स ऑन पेडल, जो बस ड्राइवर होता है, ट्रावेल्स का बस ड्राइवर 70-80 पे उसकी गाड़ी चलती रहती है, क्योंकि लॉन्ग रूट्स जाना होता है हमको, बस बने भी ऐसी तरह होते हैं इतनी स्पीड पे जाने के लिए, अचानक से कुछ आ गया तो फिर बाइक का ब्रेक नहीं चलेगा, जैसे मैकेनिकल ब्रेक नहीं चलेगा, थोड़ा सा भी पेडल पे फोर्स लगाएगा उसका इफेक्ट ज्यादा आएगा, बट अगर मैकेनिकल ब्रेक होगा और उतना ही इफेक्ट आएगा तो सारे पैसेंजर आगे। क्लियर? सो हाइड्रोलिक ब्रेक आल्सो वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल, व्हेन वी अप्लाई अ लिटिल फोर्स ऑन द पेडल विथ अवर फुट ऑफ मास्टर पिस्टन, उसमें एक मास्टर पिस्टन होता है जो स्मॉल एरिया कंसिस्ट करता है, इसके जैसा ही, जैसे में हमने जो फोर्स लगाया था उसका एरिया क्या था, कम था, और जहां पे उसको एक्ट करना था वो एरिया क्या था, क्या था, तो वैसे मास्टर पिस्टन दैट मूव इनसाइड द मास्टर सिलेंडर, मास्टर सिलेंडर विद अ स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया, मास्टर पिस्टन विद अ स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर फोर्स लगाएंगे तो वो उसके अंदर जाएगा, ओके। पिस्टन किसके अंदर जाएगा, सिलेंडर के अंदर, एंड द प्रेशर कॉज्ड इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ ब्रेक ऑयल, उसके अंदर ब्रेक ऑयल होता है, उसके थ्रू प्रेशर ट्रांसमिट होगा एंड एक्ट ऑल्सो एक्ट ऑन अ पिस्टन ऑफ विच एरिया, लार्जर एरिया, एंड अ लार्ज फोर्स एक्ट ऑन द पिस्टन एंड दस इट इज पुश्ड डाउन द एक्सपांडिंग द ब्रेक सो इज अगेंस्ट द ब्रेकिंग ब्रेक लाइनिंग। ब्रेक लाइनिंग देखा है आपने, ओके, बाइसिकल तो देखा है ना, बाइसिकल का ब्रेक्स देखा है, ओके, उसके ऊपर रबर के टिप्स होते हैं, दैट इज नोन एज ब्रेक लाइनिंग, उसको ब्रेक लाइनिंग। वो क्या होता है, अगर उसको प्रेस कर दियो ना तो आगे कैसे मैकेनिज्म होता है, जैसे पुश करता है टुवर्ड्स द टायर, ओके, क्योंकि उसको प्रेशर लगेगा, तो वो लार्जर सिलेंडर जो था हमने मास्टर सिलेंडर पे थोड़ा सा फोर्स लगाया, अकॉर्डिंग टू द फ्यूल प्रॉपर्टीज लार्जर सिलेंडर के वहां जो आउटपुट फोर्स आया वो बढ़ जाएगा, वो फोर्स इतना बढ़ गया कि तुरंत वो जो ब्रेक लाइनिंग थी वो ऐसे किसके ओर जाएंगे, व्हील्स की ओर, व्हील्स को क्या लगाएंगे, फ्रिक्शन लगाएंगे, तो ब्रेक को क्या लगेगा, ब्रेक लगेगा, और ब्रेक लगेगा तो स्टॉप हो जाएगा। ऐसे में इन दिस वे अ स्मॉल फोर्स ऑन द पेडल प्रोड्यूस अ लार्ज रिटार्डिंग फोर्स ऑन द व्हील, एंड अन इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम इज दैट प्रेशर सेटअप बाय प्रेसिंग अ पेडल इज ट्रांसमिटेड इक्वल टू ऑल सिलेंडर अटैच्ड टू अ फोर व्हील्स, ओके। इसका मेन मतलब है कि अगर ऐसे सिलेंडर हम चार जगह पे अटैच कर दें, एक मास्टर सिलेंडर रखे और वो मास्टर सिलेंडर का आउटपुट कितने सिलेंडर में दे, चार सिलेंडर में, ओके, देन चारों चारों व्हील्स पे इक्वल ब्रेक लगेगा, चारों व्हील्स पे इक्वल ब्रेक लगेगा तो झरकाने का भी चांसेस नहीं और जल्दी से स्टॉप हो जाएगा, समझ में। एंड द ब्रेकिंग एफर्ट इज इक्वली ऑन ऑल।
Streamline flow. So far we have studied fluid at a which position? Rest position. The study of the fluid in a motion known as the fluid dynamics. When a water tap is turned on slowly, the water flow is smooth initially, but loses its smoothness when the speed of outflow is increased. घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, थोड़ा सा ओपन करोगे तो स्मूथ फ्लो में वाटर आएगा, फिर जैसे थोड़ा ज्यादा करोगे टर्बुलेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका जो स्मूथनेस है वो निकल जाएगा. इन स्टडीइंग द मोशन ऑफ द फ्लूइड वी हैव फोकस अवर अटेंशन ऑन व्हाट इज हैपनिंग टू द वेरियस फ्लूइड पार्टिकल्स एट द पर्टिकुलर पॉइंट इन अ स्पेस एट अ पर्टिकुलर टाइम. पर्टिकुलर पॉइंट पे, पर्टिकुलर टाइम पे उस पार्टिकल पे क्या इफेक्ट आता है वो स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स. बोलते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स. हम पूरा डिटेल टू डू फ्लूइड डायनेमिक्स नहीं पढ़ने वाले, जस्ट इनिशिएट पढ़ने वाले हैं, उसका बेसिक नॉलेज लेने वाले. द फ्लो ऑफ फ्लूइड इज इट्स सेड टू गेट स्टेडी इफ एट एनी गिवन पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ ईच पासिंग फ्लूइड पार्टिकल रिमेन कॉन्स्टेंट इन अ टाइम. स्टैटिक का मतलब होता है डज नॉट चेंज विद द टाइम. अगर पर्टिकुलर पॉइंट से स्पेस में कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट में से जितने भी पार्टिकल पास हो रहे फ्लूइड के, अगर वो सब का वेलोसिटी कांस्टेंट है विद टाइम, ओके, वेलोसिटी ऑफ ईच पासिंग फ्लूइड पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट इन टाइम, देन दैट फ्लो इज नोन एज स्टेडी फ्लो. ओके, फ्लो तो कर रहा है लेकिन कैसा फ्लो है? स्टेडी फ्लो, क्योंकि जितने भी पार्टिकल्स फ्लूइड के उस पॉइंट में से पास हो रहे वो सब का वेलोसिटी क्या है? सेम है, कॉन्स्टेंट है. दिस डज नॉट मीन्स दैट The velocity at different points in a space is same. इसका मतलब ऐसा नहीं है कि velocity different point पे same है. हमने बोला particular point पे सारे particle का velocity constant है. But if point is changed, then velocity may be changed. बात समझ में आ रही है? Suppose this is the pipe. इसके अंदर से flow कर रहा है और ये point है. तो इस point पे one by one सारे यहाँ से particle आएंगे ना? जितने भी particles है इस point में से pass होते हैं वक्त 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, तो उसको हम बोल सकते हैं स्टेडी फ्लो. बट यहाँ पे मानो कि ऐसा टर्निंग था, देन ड्यू टू दैट यहाँ पे इस पॉइंट पे वेलोसिटी तो चेंज हो ही जाएगा, मानो कि थोड़ा रिड्यूस हुआ और 8 मीटर पर सेकंड है, बट सब जितने भी पॉइंट्स जा रहे हैं सब जितने भी पार्टिकल्स जा रहे हैं सब पार्टिकल्स का उसी पॉइंट पे 8 मीटर पर सेकंड है, तो अगेन द फ्लो इज स्टेडी फ्लो. बट इसका मतलब ऐसा नहीं कि ये दो पॉइंट्स पे सेम होना चाहिए. ओके, Now the velocity of particular particle may change as it moves from one point to another point. It at is at the some other points the particle may have a different velocity, but every other particle which passes the second point behave exactly the previous particle that has just passed that point. Point to point velocity vary कर सकता है, लेकिन उस point पे जब second particle जाएगा तो उसका behavior एग्जैक्टली जो पहले गया था उसी पार्टिकल जैसा होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कौन सा फ्लो है. हमें फ्लो के डायरेक्शन में स्पेस में पॉइंट टू पॉइंट वेरिएशन नहीं देखना है, वो इग्नोर करना है, वो हो रहा है और होगा ही, बट हमें देखना क्या है पर्टिकुलर पॉइंट पे यानी कि पर्टिकुलर लोकेशन पे जो फ्लूइड पार्टिकल पास हो रहे हैं वो सबका बिहेवियर क्या होना चाहिए? सेम. सबका वेलोसिटी क्या होना चाहिए? सेम. आया बात समझ में? Now each particle follows flows a smooth path and the path of the particle do not cross each other. अगर ऐसा है तो हर एक particle smooth path पे flow करेगा और कभी भी एक particle का path दूसरा particle cross नहीं करेगा, उसके पीछे जा सकता है लेकिन कभी भी दो path एक दूसरे से cross नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि velocity is the vector quantity. और अगर एक दूसरे को cross हो गए तो उस क्रॉस पॉइंट पे दो डायरेक्शन आ जाएगी, एक इधर भी आ जाएगा एक इधर भी आ जाएगा. अब दो डायरेक्शन आ गया मतलब वेलोसिटी चेंज हो गया, वेलोसिटी चेंज तो होने वाला नहीं है, एंड दैट्स व्हाई ये जो दो पाथ है कभी भी एक दूसरे को क्रॉस करेंगे नहीं. डाउट हो तो पूछो, नहीं है ना? द पाथ इज टेकन बाय द फ्लूइड पार्टिकल अंडर अ स्टेडी फ्लो इज नोन एज स्ट्रीमलाइन. It is defined as the curve whose tangent at any point is in the direction of the fluid velocity at that point. Jo path fluid particle follow karta hai while it is in a motion, and that is known as streamline.
तो फिर ऐसा एक कर्व जिसको अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट किसकी डिरेक्शन में हो, डिरेक्शन ऑफ फ्लो, या तो फिर उस पॉइंट पे वेलोसिटी की डिरेक्शन में हो, तब उस कर्व को क्या बोलेंगे हम, स्ट्रीमलाइन। क्या बोलेंगे, स्ट्रीमलाइन। जैसे आपको एग्जांपल तौर पे एक स्ट्रीमलाइन दिया हुआ है, देखा आपने, ब्लू कलर का दिया है। देन आप अगर पी पॉइंट पे हो तो पी पॉइंट पे जो टेंजेंट रोके ना, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल एट दैट पॉइंट। यहाँ पे देखो, देखो पॉइंट टू पॉइंट वेलोसिटी वेरी कर रहा है, देखा, बट इस पॉइंट पे जितने भी पार्टिकल्स आ रहे थे सबका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो हम बोलेंगे स्टेडी फ्लो। बात हुई ना, समझ में क्लियर आ गया, क्लियर हो गया। जैसे आपको दूसरा स्ट्रीमलाइन यहाँ पे दिया गया, आईपी समझ लो, ऐसा ऐसा ओपनिंग है, ऐसा एंडिंग है, बीच में ऐसा हुआ है, तो सब फ्लो ऐसे ही करेगा ना पार्टिकल, सीधा या फिर ऐसे। तो ये क्या हो गया, स्ट्रीमलाइन वन, स्ट्रीमलाइन टू एंड स्ट्रीमलाइन। स्टेडी फ्लो है तो स्ट्रीमलाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर यहाँ पे कोई स्ट्रीमलाइन होगा तो ऐसे ही जाएगा। आया बात समझ में? स्ट्रीमलाइन इज द जस्ट विजुअलाइजेशन इफेक्ट ऑफ फ्लो, रियलिटी नहीं है। आपको जब फ्लूड फ्लो करता हुआ होगा तो ऐसा नहीं दिखेगा, ये स्ट्रीमलाइन जा रहा है। पार्टिकल को कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, पार्टिकल का साइज तो बहुत स्मॉल होता है। बात समझ में आया? तो इट्स जस्ट विजुअलाइजेशन इफेक्ट ऑफ द फ्लो। कंसीडर द पाथ ऑफ पार्टिकल एज शोन इन द फिगर। द कर्व डिस्क्राइब हाउ अ फ्लूइड पार्टिकल मूव विद अ टाइम। द कर्व पी क्यू इज लाइक परमानेंट मैप ऑफ द फ्लूइड फ्लो। पी क्यू और कुछ नहीं, गूगल मैप जैसा हो गया कि आपको उसी रास्ते पे जाना है, स्टार्टिंग डेस्टिनेशन टू एंड डेस्टिनेशन। समझ में? और वो जो पी क्यू था कर्व, वो जस्ट लाइक किसके जैसा काम कर रहा है, मैप ऑफ फ्लूइड फ्लो। क्लियर? उसी डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो करने वाला है, उसका मैप हो गया। दैट इंडिकेटिंग हाउ द फ्लूइड स्ट्रीम्स, वो इंडिकेट कर रहा है कि फ्लूइड के स्ट्रीम्स कैसे जनरेट होने वाले, फ्लूइड कौन से पाथ पे मोशन करने वाला है। नो टू स्ट्रीम लाइन कैन क्रॉस इच अदर, कोई भी दो स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को क्रॉस करने वाले नहीं है। फॉर इफ दे डू, बट अगर वो कर ले, देन ऑन कमिंग ऑन ऑन कमिंग फ्लूड पार्टिकल कैन गो आइदर वन ऑफ द वे और अदर, सॉरी, और द अदर एंड एंड द फ्लो वुड बी नॉट स्टेडी। ओके, जब वो मैंने बता दिया ऑलरेडी, ऐसे क्रॉस करते हैं तो अगर एक पार्टिकल यहां से आया, बट यहाँ पे आने के बाद इट हैज अ टू ऑप्शन, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, या फिर ये पार्टिकल इधर आया उसको भी इधर जाने का और इधर जाने का ऑप्शन है। दैट्स व्हाई यहां से जो पार्टिकल आ रहा था सब पार्टिकल ऐसे गए, बट ऐसा कोई एक पार्टिकल हो सकता है वो ऐसे भी जा सकता है। दैट मींस इस पॉइंट से उसने अपना पाथ वेलोसिटी चेंज कर लिया, तो द फ्लो इज नॉट लॉन्गर बी अ स्टेडी फ्लो। तो स्टेडी फ्लो के लिए तो ये कंसिडरेंट होगा ही नहीं, दो फ्लू लाइंस ऑलवेज ऐसे पैरेलल रहेंगे, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। हेंस इन अ स्टेडी फ्लो द मैप ऑफ द फ्लो इज अ स्टेशनरी इन अ टाइम। मैप ऑफ फ्लो इज स्टेशनरी इन अ टाइम, स्टेशनरी मतलब अगेन डज नॉट चेंज विद द टाइम। हाउ डू वी ड्रॉ क्लोजली स्पेस्ड स्ट्रीमलाइन। द क्वेश्चन इज दैट विजुअलाइजेशन तो करना ही है फ्लो का, बट कैसे हम स्ट्रीमलाइन ड्रॉ करें। सो इफ वी इंटेंड टू शो स्ट्रीमलाइन ऑफ एवरी फ्लो फ्लोइंग पार्टिकल, वी वुड एंड अप विद द कंटिन्यूअस ऑफ वी वुड एंड अप विद अ कंटिन्यूअस कंटिन्यूम लाइंस, कंटिन्यूम ऑफ लाइंस एंड कंसीडर अ प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो। As for example, there are the three points P, R and Q as shown in the figure 10.7 point B. हमने तीन points लिए P, R and Q. ये तीनों points में हमने flow को perpendicular direction में क्या लिए? Plan लिए. आया समझ में यहाँ तक? So हमने flow के direction में perpendicularly क्या लिए? P, R and Q point पे plan लिया. क्या लिया? Plan. So consider a plan perpendicular to the direction of फ्लूइड फ्लो। एज फॉर एग्जाम्पल कौन से पॉइंट पे लिया हमने? पी आर एंड क्यू। द प्लेन पीसीज आर सो चूजन दैट देयर बाउंड्रीज कैन बी डिटरमाइंड बाय द सेम सेट ऑफ द स्ट्रीमलाइंस। हमने प्लेन ऐसे चूज किए है कि उनके बाउंड्री कैसे डिटरमाइन करेंगे हम, थ्रू द स्ट्रीमलाइंस। यू कैन सी हियर कि उनके बाउंड्री में से ही स्ट्रीमलाइन पास हो रहे हैं, देखा, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, इधर इधर, और एक मिडल में से। आया समझ में? तो प्लान इस तरह से चूज किए गए जिनके बाउंड्री से, बाउंड्री किसे डिटरमाइन किया जाता है, स्ट्रीमलाइन से। दिस मीन्स दैट
number of fluid particles crossing the surface. So crossing the surface as indicated P, R and Q in the SEM. This means that the number of fluid particles crossing the surface as indicated, which surfaces P, R and Q is the SEM. Jitne number of fluid particles P surface ko cross karenge, utne hi Q ko karenge aur utne hi R ko karenge. Kyunki wo jo streamlines hai, humne boundary setup pe liye. Samajh mein? मतलब कि जितनों जितने भी पार्टिकल्स पी को टच करके आएंगे सारे पार्टिकल किसको टच करेंगे क्यू क्यू को क्रॉस करके निकलेंगे और उतने ही सारे पार्टिकल किस में से जाएंगे आर में से. इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस पॉइंट्स आर एपी एआर एंड एक्यू एंड स्पीड्स ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स आर वीपी वीआर एंड वीक्यू देन द मास ऑफ फ्लूइड डेल्टा एमपी क्रॉसिंग एट एपी इन अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी दैट इज इक्वल्स टू rho p ap vp into delta t. How? So what is the density? Now therefore mass equals to rho into v, rho ka rho. Volume equals to area into length, rho a, length equals to वेलोसिटी इंटू टाइम. आया समझ में? कितना लेंथ कवर करेगा? वेलोसिटी इंटू टाइम, बिकॉज वेलोसिटी इक्वल्स टू व्हाट? लेंथ अपॉन टाइम. तो लेंथ इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम. तो ये आ गया रो, फिर ए आ गया, फिर आ गया वेलोसिटी एंड टाइम कितना दिया था हमने? डेल्टा टी. सो द मास डेल्टा एमपी क्रॉसिंग एट एपी सरफेस इन अ स्मॉल इंटरवल ऑफ द टाइम डेल्टा टी that is equals to rho p ap vp into delta t. Similarly, the mass of fluid delta mr flowing the cross section area at ar in a small time interval delta t. Small time interval delta t, usko bhi delta t hi diya, time change kiya nahi, but uske liye kya ho jayega? Rho p ar vr and delta t. Similar way q ke liye rho q aq vq and delta t crossing at which point? Aq surface. Now the mass of liquid flowing out equals to the mass of flowing in. Mass तो always conserve होता है. Mass जितना out जाएगा उतना ही कहाँ गया होगा? In गया होगा. And holds on the cases. Therefore सारी जगह पे P surface ले लो, चाहे वो Q ले लो, चाहे R ले लो, delta MP ले लो, delta MQ ले लो, delta MR ले लो, all are equal, same. तीनों को equality में रख दिया. उससे क्या change हो जाएगा? Delta T change हो जाएगा. अब हमने जो कट हो जाएगा इन शॉर्ट. ओके, नाउ जो हमने पी पे फ्लूइड भेजा था वही आर पे निकलेगा ना. पी क्यू आर है ना लाइन में, पी आर क्यू है. ओके, पी आर क्यू है. तो जो हमने पी पे इन किया था वही फ्लूइड क्यू पे निकलने वाला है ना. कि ऐसा कुछ होगा या वाटर ऐड करेंगे ऑयल निकलेगा? नहीं होगा ना. दैट मीन्स की डेंसिटी रिमेन. ओके, रो पी इक्वल्स टू रो क्यू इक्वल्स टू रो आर. दैट्स व्हाई दिस इज अगेन गोइंग टू बी कट आउट. क्या बचा? A इंटू वी. क्या बचा? A इंटू वी. ए का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, बी का यूनिट होता है मीटर अपॉन सेकेंड. तो ये हो गया मीटर क्यूब अपॉन सेकेंड. तो इट्स अ मीटर क्यूब यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम अपॉन सेकेंड. नोन एज फ्लो रेट. क्या बोला जाता है? फ्लो रेट. ओके, आपके आपके पल्ले नहीं आया, बट टेंथ का जो अभी नया सिलेबस चुका है टेंथ एनसीईआरटी, उसके मैथमेटिक्स में फ्लो रेट के एग्जाम्पल है वॉल्यूम वाले चैप्टर में. वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया वाला चैप्टर है ना, फ्लो रेट वाला एग्जांपल है. एरिया इनटू वी करना है, वेलोसिटी तो वॉल्यूम आ जाएगा ना. तो कहने का मतलब उसको फ्लो रेट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फ्लो रेट. एंड दिस एपी इक्वल्स टू वीपी इक्वल्स टू एवी एपी इनटू वीपी इक्वल्स टू एआर इनटू वीआर इक्वल्स टू एक्यू इनटू वीक्यू, व्हिच इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. एंड इट इज अ स्ट्रीम स्टेटमेंट ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ मास. हमने किससे थ्रू निकाला था? डेल्टा एमपी इक्वल्स टू डेल्टा एमआर इक्वल्स टू डेल्टा एम क्यू, मतलब कि मास कन्वर्जेंस लो लगाया था, उसके थ्रू ही हमें क्या मिला? एपी एपी इंटू वीपी इक्वल्स टू एआर इंटू वीआर इक्वल्स टू एक्यू इंटू वीक्यू. दिस इज नोन एज व्हाट? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. एंड दैट इज फॉर ओनली व्हिच फ्लूइड? इनकंप्रेसिबल. मैंने थोड़ा लॉजिक दिया था लेकिन वो तो सही था, बट साथ में अगर एक ही फ्लूइड हो तो कभी कभी वो इन बिटवीन कंप्रेस भी हो जाता है.
तो थोड़ा माइनर सा चेंज आ सकता है डेंसिटी में, बट वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हो तो इग्नोर कर सकते हैं, तब हम रो को क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट, और रो को क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। आया समझ में? इन जनरल एवी इक्वेशन क्या आया, कांस्टेंट, और एवी को मैंने बोला था वैसे वॉल्यूम फ्लक्स बोलते हैं, या तो फिर क्या बोलते हैं, फ्लो रेट, दैट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द पाइप ऑफ फ्लो, बट फॉर विच फ्लो, स्टेडी फ्लो। अभी भी हम स्टेडी फ्लो पे ही हैं, टर्बुलेंट फ्लो मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है समझना, अभी मैं आपको रिप्रेजेंटेशन अभी आएगा ही आगे टर्बुलेंसी के बारे में। दस द नैरो पोर्शन, एक स्टेडी फ्लो होता है ना, वो बिल्कुल स्मूथ होता है, जैसे कि आपने कहीं मोटर खेत में चलता हुआ देखा हो ना, तो ऐसे जब यू शेप का पाइप होता है तो उसमें से कैसे एक पूरा सा फ्लो निकलता है बाहर ला, थोड़े डिस्टेंस तक वो स्टेडी फ्लो रहता है, फिर टर्बुलेंसी क्रिएट होता है, फिर से अपरेशन हो जाता है मास का। देन दस एट अ नैरो पोर्शन वेयर द स्ट्रीम लाइंस आर क्लोजली स्पेस्ड, वेलोसिटी इंक्रीज एंड इट्स वाइस वर्सा। अब ए वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट बनाना हो तो सपोज ए वन वी वन इक्वल टू ए टू वी टू, मानो कि ए वन कम है किसके कंपेयर में, ए टू, तो ए टू ज्यादा है। अभी दोनों मल्टीप्लीकेशन को सेम करना हो तो यहाँ पे कम था तो यहाँ पे वी वन ज्यादा लेना पड़ेगा और वी टू कम, मतलब कि जहाँ पे कम एरिया है वहां पे वेलोसिटी ज्यादा, और जहाँ पे ज्यादा एरिया है वहां पे वेलोसिटी कम। तो जो नैरो एरिया है, कौन सा एरिया है, नैरो, यानी एरिया कम है, वहां पे वेलोसिटी क्या होगा, ज्यादा, और जो नैरो एरिया है वहां पे स्ट्रीम लाइन एक दूसरे के कहाँ आ जाएगी, नजदीक। तो देखो पढ़ो यहाँ से, अ नैरोअर पोर्शन वेयर द स्ट्रीम लाइंस आर क्लोजली स्पेस्ड, वेलोसिटी इंक्रीज एंड इट्स वाइस वर्सा, मतलब कि उल्टा, जब जहाँ पे एरिया वाइडर है वहां पे स्ट्रीम लाइन एक दूसरे से कहाँ हो गए, सेपरेट हो जाएंगे, और वहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फ्रॉम इट इज क्लियर दैट ए आर इज ग्रेटर देन ए क्यू, ए आर ज्यादा है किसके कंपेयर में, ए क्यू, कैन सी हियर, देखो यहाँ पे स्पेस भी ज्यादा है, देखा आपने, और ए आर एरिया ज्यादा है किसके कंपेयर में, ए क्यू, तो यहाँ पे वेलोसिटी कम होगा और यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा। आया समझ में? तो हम वैसा ही करते हैं ना, किसके लिए, प्रेशर क्रिएट करने के लिए, वो बड़ा सा पाइप आता है, फिर आगे नोजल रख देते हैं, पाइप का एरिया क्या था, ज्यादा, और नोजल का एरिया क्या है, कम, तो वो प्रेशर करता है, वेलोसिटी उसका फट लेके आता है, तो लगता भी है, नोजल वाले पाइप्स अपने वो कार वॉशिंग में यूज किए गए होंगे, या तो फिर अपने वो एग्रीकल्चर्स में यूज करते हैं स्प्रे करने के लिए, वो आगे अगेन दूसरी टाइप का नोजल रखते हैं तो स्प्रे हो जाता है, बट एक सिंगल नोजल हो तो जाता है फ्लो, जिसका वेलोसिटी ज्यादा होता है। नाउ द फ्लूइड एक्सीलरेटेड व्हाइल पासिंग फ्रॉम आर टू क्यू, इसका मतलब ऐसा हुआ कि आर पे वेलोसिटी कम था और क्यू पे वेलोसिटी, तो वेलोस जब आर से क्यू फ्लो फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो लोअर वेलोसिटी से वो हायर वेलोसिटी जा रहा है, मतलब कि एक्सीलरेट हो रहा है, सो दैट एक्सीलरेटेड व्हाइल पासिंग फ्रॉम आर टू क्यू, एंड दिस टाइप ऑफ पोर्शन, ऐसा पोर्शन आया ना जो दिखता है किसके जैसा, जैसा, ओके, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग नोजल, क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग नोजल, और दूसरा ऐसा हो सकता है, ओके, यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होगा और यहाँ पे वेलोसिटी, वो वेलोसिटी कम करके देता है, और ये दिखता है किसके जैसा, तो इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग नोजल। अब ए सी और डी का कोई लॉजिक नहीं है, मैंने याद रखने के लिए रखा हुआ है, देन मैं मेरे इंजीनियरिंग में ये याद रखता था, डी फॉर कन्वर्जिंग नोजल, डी फॉर डाइवर्जिंग नोजल, सेप से पता चल जाता था कौन सा कन्वर्जिंग है और कौन सा, ऐसे कितना सारा याद रखना होता है, एक दो में ही चल जाता हुआ। तो कन्वर्जिंग नोजल क्या करता है, हायर वेलोसिटी को लोअर वेलोसिटी में कन्वर्ट करता है, डाइवर्जिंग नोजल लोअर को हायर, ओके, दिस इज एसोसिएटेड विद द चेंजिंग, ये शायद आपको नहीं दिया गया होगा बट ये बात आई तो मैंने आपको बता दी, दिस इज एसोसिएटेड विद द चेंज इन प्रेशर इन द फ्लूड फ्लो इन अ बीच पाइप हॉरिजॉन्टल, स्टेडी फ्लो इज अचीव्ड एट अ लो फ्लो स्पीड बियॉन्ड द लिमिटिंग वैल्यू दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल स्पीड, ओके, लो स्पीड वैल्यू जो थे उसके तक स्टेडी फ्लो अचीव होता है, जब स्पीड लो रहता है तभी आपको कौन सा फ्लो मिल सकता है, क्योंकि वो शांति से जाते हैं ना, एक के बाद एक पार्टिकल जाएगा, क्योंकि स्टेडी फ्लो फ्लो का जो स्पीड है वो बिल्कुल कम है, बट जैसे स्पीड बढ़ाया वैसे जल्दी होती है आगे जाने की, फिर टर्बुलेंसी क्रिएट होगा,
एंड बियॉन्ड द लिमिटिंग वैल्यू, कोई पर्टिकुलर लिमिट होता है उसके लिमिटिंग वैल्यू से अगर ज्यादा स्पीड हो जाता है दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल स्पीड. इन शॉर्ट क्रिटिकल स्पीड से ज्यादा स्पीड होगा तो फ्लो लूजेस इट्स स्टेडीनेस एंड बिकम विच फ्लो टर्बुलेंट फ्लो. एंड टर्बुलेंट फ्लो इज जस्ट सिमिलर टू योर स्मोक. कोई अगर बंदा सिगरेट पी रहा है ना तो उसकी जो स्मोक निकल रही है ना कैसे निकल रही है राउंड 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 शेप में, दैट इज नोन एज टर्बुलेंस. उस फ्लो को क्या बोलते हैं टर्बुलेंस. वही चीज जो गैस में आपने देखी वही लिक्विड में लाना तो उसको बोलते हैं टर्बुलेंस. क्या बोलते हैं, वन सी दिस व्हेन द फास्ट फ्लोइंग स्ट्रीम एनकाउंटर्स द रॉक्स. या तो एक बड़ा सा स्ट्रीम जो है वो फास्ट मूव कर रहा है और बीच में रॉक आ गया. जब आप जाते हो ना वो खुनिया महादेव हाथनी माता तो आपको पता चलता है कि ऊपर से स्ट्रीम आ रहा था बीच में क्या गया रॉक. तो फिर वहां पे क्या क्रिएट होगा, टर्बुलेंस क्रिएट होगा. या तो फिर स्मॉल फोमी वर्लपूल लाइक अ रीजन कॉल्ड वाइट वाटर रैपिड्स आर फॉर्म. या तो फिर वहां पे वाइट वाटर रैपिड्स फॉर्म होते हैं, मस्त लगता है देखने में. गए हो तो जैसे वो जहाँ पे क्या बोलते हैं उसको वाटरफॉल, वहां पे वाटरफॉल में ही ये चीज दिखने मिलती है. देन और आपको यहाँ पे देखना हो तो दिस इज द स्टेडी फ्लो और दिस वन इज द टर्बुलेंस. टर्बुलेंस कब क्रिएट होता है, स्टेडी फ्लो के बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है. आया समझ में. फिगर डिस्प्ले स्ट्रीम लाइन फॉर दिस सम टिपिकल फ्लोस. फॉर एग्जाम्पल ए डिस्क्राइब द लेमिनार फ्लो. ओके, ए में स्टेडी तो है ही वे बट थोड़ा प्रॉब्लम है स्टेडी बोलने में. क्यों, इक्वली स्पेस्ड नहीं है देखा आपने. तो इसको लेमिनार बोलते हैं. क्या बोलते हैं, लेमिनार. तो लेमिनार फ्लो वेयर वेलोसिटी एट अ डिफरेंट पॉइंट्स इन द फ्लूइड मे हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड बट दैट डायरेक्शन आर, वेलोसिटी अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग है बट डायरेक्शन क्या है पैरेलल. आधा आधा स्टेडी हो गया. आधा स्टेडी क्यों हुआ, स्टेडी में वेलोसिटी सेम होना चाहिए. ओके, यानी कि डायरेक्शन तो सेम हो ही सकता है, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए पर्टिकुलर पॉइंट पे पर्टिकुलर पार्टिकल का. बट यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन आता है. और सेकेंड थिंग, स्टेडी भी थोड़ा अलग ही रहेगा. क्यों, क्योंकि स्टेडी में पार्टिकल के लिए कंडीशन आता है, लेमिनार में पॉइंट्स के लिए कंडीशन आया कि ईच एंड एवरी पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या रहना चाहिए पैरेलल. तब जाके उसको हम कौन सा फ्लो बोलेंगे, लेमिनार फ्लो. अगर ईच एंड एवरी पॉइंट पे सेम डायरेक्शन है फ्लो का तो वो स्ट्रेट लाइन ही मिलेंगे. कौन सी लाइन मिलेंगे, स्ट्रेट लाइन मिले. सब स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ईच अदर, दैट इज लेमिनार फ्लो बट द डायरेक्शन आर पैरेलल. नाउ फिगर गिव्स द स्केच ऑफ विच फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो. ये लेमिनार फ्लो में कोई ऑब्स्टेकल डाल दे तो उसका क्या क्रिएट होगा, टर्बुलेंस ही क्रिएट होगा, टर्बुलेंट फ्लो. आया समझ में यहां तक, आया ना. ओके, एक टचेबल टॉपिक रहता है एग्जाम में, दैट इज बर्नौलीज प्रिंसिपल. कौन सा प्रिंसिपल, बर्नौलीज. फ्लूइड फ्लोस इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन. इतना इजीली जितना समझते हैं इतना इजी नहीं है. और उसमें भी सबसे जबरदस्त ट्रबल आता है जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं. देन सो थोड़ा कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है बट वी कैन ऑब्टेन सम यूजफुल प्रॉपर्टीज फॉर अ स्टेडी एंड स्ट्रीमलाइन फ्लोस यूजिंग अ कन्वर्जेंस ऑफ एनर्जी. पहले हमने कन्वर्जेंस ऑफ मास लगाया, उससे हमें स्ट्रीमलाइन फ्लो में स्टेडी फ्लो में कंडीशन मिला, दैट इज प्रेम. विच कंडीशन इज दैट. कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आया, हमने कन्वर्जेंस ऑफ मास लो लगाया उससे कौन सा कंडीशन मिला, स्टेडी फ्लो में कौन सा कंडीशन मिला, क्या है फ्लो रेट. एवी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट कंटिन्यूटी इक्वेशन मिला. कंसीडर अ फ्लूइड मूविंग इन अ पाइप ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया. एक पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया वेरी वेरी हो रहा है, मतलब कि कंटिन्यूअसली स्मॉल से ज्यादा हो रहा है या फिर ज्यादा से कम हो रहा है. लेट द पाइप बी एट अ वेरिंग हाइट एज सून इन द फिगर 10.9. एक हमने पाइप लिया, ग्राउंड लेवल है. एक एंड ग्राउंड लेवल से कितने हाइट पे है, H1. दूसरा एंड कितने हाइट पे है, H2. एक साइड का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A1. दूसरे साइड का कितना है, A2. एक साइड का प्रेशर है P1, दूसरी साइड का प्रेशर कितना है, P2. आया समझ में यहां तक. और हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर क्या होगा, फ्लो. वी नाउ सपोज दैट
इनकम्प्रेसिबल फ्लूड, इनकम्प्रेसिबल फ्लूड से मतलब आएगा रो इज कॉन्स्टेंट, डेंसिटी रिमेन कॉन्स्टेंट, इज अ फ्लोइंग थ्रू द पाइप इन अ विच फ्लो, स्टेडी फ्लो, स्टेडी फ्लो से मतलब आएगा एवरी पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट हैव अ सेम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, ओके, इट्स वेलोसिटी मस्ट चेंज एज कोसिक्वेंस ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. हाँ, बट पॉइंट टू पॉइंट वेलोसिटी किसी पार्टिकल का क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, बट पर पर्टिकुलर पॉइंट एवरी पार्टिकल जो आने वाला है वहां पे उसका वेलोसिटी क्या रहेगा, सेम. बट अकॉर्डिंग टू द कंटिन्यूटी इक्वेशन पॉइंट टू पॉइंट क्रॉस सेक्शन के थ्रू उसका वेलोसिटी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है. अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दिस एक्सेलरेशन, एक फोर्स चाहिए कि ना, नहीं तो फ्लो कैसे होगा, एक साइड प्रेशर बढ़ाएंगे दूसरी साइड प्रेशर कम होगा, तभी हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर क्या होगा, फ्लो होगा, ओके, एंड विच इज कॉज्ड बाय द फ्लूइड सराउंडिंग इट. द प्रेशर मस्ट बी डिफरेंट इन अ डिफरेंट रीजन. फोर्स अप्लाई करना मतलब प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना. बर्नौली इक्वेशन इज अ जनरल एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन द पाइप टू बोथ वेलोसिटी चेंजेस, दैट इज काइनेटिक एनर्जी चेंज, एंड नंबर टू एलिवेशन, दैट इज द हाइट चेंज. हाइट चेंज से कौन सा एनर्जी चेंज होता है, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हमने मास कंजर्वेशन तो देख ही लिया, अब हम एनर्जी कंजर्वेशन पे जा रहे हैं. द स्विस फिजिसिस्ट डाल्टन बर्नौली डेवलप दिस रिलेशन इन 1738. कंसीडर द फ्लो ऑफ टू फ्लो एट अ टू रीजन, वन वही वही फिगर है, वन रीजन को क्या नाम दिया गया है, बी सी, एंड सेकंड इज डी, ओके. वही फिगर में दो एंड पे फ्लो को आपको कंसीडर करना है, एक है बी सी, बी टू सी दिया ना हमने, और दूसरा कितना है डी. अब यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, कम है, स्मॉल दिख रहा है, और यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है. जहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल हो वहां पे वेलोसिटी ज्यादा हो, जहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा हो वहां पे वेलोसिटी कम. अब दोनों को टाइम सेम दे रहे हैं, डेल्टा टी डेल्टा टी, तो जिसका वेलोसिटी ज्यादा वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया देखा, जिसका वेलोसिटी कम वहां पे कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, और टाइम रिमेन सेम, डेल्टा टी डेल्टा टी. डाउट, फिगर में भी ध्यान रखना है उतना, देखो उनका फिगर कितना करेक्ट है, जो सब मीनिंग बता रहा है. फिगर इसीलिए तो ड्रॉ करते हैं जो मीनिंग बताए थ्योरीज के, फिर हमारे फिगर में ये नहीं दिखने मिलेगा. बीसी और डी का जो लेंथ का मैंने रिलेशन बताया ना, वो दिखने नहीं मिलेगा. और मैंने फिगर में वो एक्सप्लेनेशन इसीलिए ही दिया है ताकि वो याद रखो, और आप जब फिगर ड्रॉ करो तब उसको ध्यान रखो. सो कंसीडर द फ्लूइड इनिशियली लेइंग बिटवीन द बी एंड डी. नाउ द इन्फिनिटेसिमल टाइम, मतलब वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी, द फ्लूइड वुड हैव अ मूव. And suppose V1 is the speed at which point B and V2 is the speed at which point D, then the fluid initially at which point B has moved to a distance what? अभी देखा था फिगर में वही V1 into delta T. वहां से कहां पहुंचा? B से लेके C. That is V1 into delta T small enough to assume constant cross section along the BC. हमने delta T इतना small लिया है कि वो distance भी बिल्कुल small है. वैसे pipe जो है continuously cross section vary कर रहा है, लेकिन वो स्मॉल टाइम के लिए हम ऐसा मान सकते हैं कि निग्लेजेबल चेंज होगा क्रॉस सेक्शन एरिया में. क्रॉस सेक्शन एरिया को सेम मान सकते हैं बीसी के लिए, किसके लिए, बी और सी के, बी और सी से, या तो फिर बिटवीन द रीजन बिटवीन बी एंड सी के लिए क्रॉस सेक्शन एरिया को कांस्टेंट मानेंगे. इन द सेम इंटरवल डेल्टा टी फ्लूइड इनिशियली एट विच पोजिशन, डी, एक एंड बी और सी की बात हो गई, दूसरे एंड पे कौन से पॉइंट लिए थे, डी एंड ई. तो एक डी पे जो पोर्शन था फ्लूइड का वो मूव करके कहां पे पहुंचेगा, ए, और उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वहां पे स्पीड चेंज हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो गया था ना, तो V2 into delta T. Now pressure P1 and P2 act as shown on the pipe, sorry, on the plane faces of the areas A1 and A2 binding the two regions. तो पाइप के दो रीजन थे A1 A2 वाले, A1 रीजन पे P1 फोर्स लग रहा है, A2 रीजन पे P2 फोर्स लग रहा है. ऑलरेडी मैंने फिगर में सब शो कर दिया, इसलिए मैं बार बार फिगर पे नहीं जा रहा हूँ, बट अपने माइंड में फिगर याद रखते जाओ और ये समझते जाओ. The work done on the fluid at the left BC is W1 equals to, well, what is the formula of work done? The force equals to pressure into area hoga, and displacement kya tha? V1 into delta T. Aaya samajh mein? Now, this V1 into delta T is the length and A is the area. Area into length, volume, change in volume, that is delta. Since the same volume delta V passes through the region from the इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, वॉल्यूम फ्लो रेट सेम होता है, पता है ना, ए इंटू बी, देन सो द वर्क डन बाय द फ्लूइड ऑन अनदर एंड डी, W2 इक्वल्स टू P2 इंटू A2, दैट इज द फोर्स, एंड डिस्प्लेसमेंट V2 इंटू डेल्टा टी. नाउ V2 इंटू डेल्टा टी इज द लेंथ एंड A इज द एरिया, लेंथ इंटू एरिया
चेंज इन वॉल्यूम वॉल्यूम, बट चेंज इन वॉल्यूम सेम रहेगा, जितना वॉल्यूम बी के थ्री, बी से सी की ओर गया है, जितना वॉल्यूम यहां से बी से सी की ओर पुश हुआ, ओके, उतना ही वॉल्यूम डी से कहां पुश होगा, ई वॉल्यूम तो चेंज होने वाला नहीं है, आया समझ में? इसलिए दोनों में डेल्टा वी सेम रखा, चेंज नहीं किया, आया समझ में? नाउ द वर्क डन ऑन द फ्लूइड इज व्हाट, माइनस पी टू इंटू डेल्टा वी, एंड सो द टोटल वर्क डन इज ऑन द फ्लूइड इज व्हाट, डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू, इन शॉर्ट डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू, देन और डब्ल्यू टू क्या लिया था हमने, माइनस लिया था, इसीलिए ये आ जाएगा आपका पी वन इंटू डेल्टा वी और ये आ जाएगा माइनस पी टू इंटू डेल्टा वी. अब क्वेश्चन ये है कि वाई इट इज प्लस वाई इट इज माइनस, तो आप समझ सकते हो कि बी और सी से इन कर रहे हैं, इन कर रहे हैं तो वॉल्यूम पॉजिटिव लेंगे बढ़ेगा, और डी और ई से निकाल रहे हैं उस एंड से, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, एंड दैट्स वाई एक को प्लस लिया वर्क ने, दूसरे को क्या लिया माइनस, और इसीलिए पी वन माइनस पी टू इंटू डेल्टा, जस्ट सिंपली एड करना है, अगर एड नहीं करना है तो डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू करना है तो इसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, पी वन डेल्टा वी माइनस क्या लेना पड़ेगा पी टू डेल्टा, उसको पॉजिटिव लेके फिर ये माइनस का माइनस लगा, देन फिर अगर इसको माइनस कंसिडर करें तो यहाँ पे क्या आएगा, बट यही हमारे लॉजिक के साथ सेट होगा, टोटल वर्क डन यानी डब्ल्यू वन प्लस पार्ट ऑफ दिस वर्क डन goes into changing which energy, kinetic energy of the fluid, and the part of goes into the changing in which gravitational potential energy. Now, if the density of the fluid is rho, delta m equals to rho into a into v, that is the, okay, पहले आएगा rho into v, और v की जगह पे आएगा area into length, length की जगह पे आएगा v into v and speed into delta t. Now, for a one point, it's a rho a1, V1 into delta V. तो आ गया rho into delta V, because it is the length, it is the area, length into area, volume. Is the mass passing through the pipe in a which time? Delta T time. Then the change in gravitational potential energy, delta U equals to, क्या formula था? MGH. Potential energy का क्या formula था? MGH. तो G का तो G आ गया. Now H. H यानी height difference. तो आप देखो एक एंड H1 हाइट पे, दूसरा हैंड तो व्हाट इज द हाइट डिफरेंस, H2 माइनस H1, तो ये H आ गया, ये G आ गया, बाकी क्या बचा, मास, एंड मास का फॉर्मूला आप डेल्टा m इक्वल टू क्या लेके आए, rho into delta, that is rho into delta, तो आ गया पोटेंशियल एनर्जी. नाउ द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज होगा, तो 1/2 mv स्क्वायर था फॉर्मूला, तो 1/2 m की जगह पे क्या आ गया, rho into delta v, v square, तो initially v1 speed था, final speed कौन सा हुआ, v2, it's a v2 square minus v1 square, 1/2 mv square, clear हुआ, and we can employ the work energy theorem of chapter 6 to this volume of the fluid, and this held that whatever work done क्या था, v1 minus v2 to delta v, that can utilize to changing kinetic energy and changing potential energy, तो changing kinetic energy, 1/2 m v2 square minus v1 square, 1/2 mv square आ गया, and that is the mgh, g, h and rho into v, m, and now we divide each term by which term, delta v, because सब में दिख रहा है, तो delta v is the cancel term, तो p1 minus p2 equals to 1 by 2 rho v2 square minus v1 square, rho g h2 minus h1, clear हुआ यहाँ तक, and therefore p1 minus p2 equals to 1/2 rho v2 square, multiplication किया, minus 1/2 rho v1 square, plus rho g h2, minus rho g h1, okay, that's what p1 plus 1/2 rho v1 square, plus rho g h1, सब 1 वाले उधर ले लिए, okay, अब ये minus p2 उधर आएगा तो, plus p2, यहाँ पे, plus 1/2 rho v2 square, plus rho g h2, तो इन शॉर्ट p प्लस 1/2 रो v स्क्वायर प्लस रो gh इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कांस्टेंट, दैट इज द फॉर्म ऑफ बर्नौलीस इक्वेशन, ओके, सो वी कैन रीअरेंज दिस टर्म, तो 1 वाले एक साइड हो गए, 2 वाले एक साइड, एंड दिस इज व्हिच इक्वेशन,
Since 1 and 2 refer any two location along the pipeline, we may write the expression in general P plus 1 half rho V square plus rho G H equals to what? आया समझ में यहां तक? हाँ कि ना? इन वर्ड्स बर्नौली इक्वेशन को अगर वर्ड्स में रिप्रेजेंट करना हो तो द बर्नौलीस रिलेशन मे बी स्टेटेड एज फॉलो एज वी नो अलोंग द स्ट्रीम लाइन द सम ऑफ प्रेशर फिर क्या आया था काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम काइनेटिक एनर्जी था पर डेल्टा वी से सबको डिवाइड किया था याद है ना तो प्रेशर का तो पी दिख रहा है पर काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में 1 हाफ एम वी स्क्वायर नहीं दिख रहा है क्या दिख रहा है वो 1 हाफ रो वी स्क्वायर दिख रहा है दैट रो वी क्यों आया बिकॉज एम को किससे डिवाइड किया है वॉल्यूम से तो एम बाई वी क्या हो गया रो हो गया सो इट्स रो वी स्क्वायर बाई टू एंड द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज व्हाट वैसे होना चाहिए एम जी एच क्या होना चाहिए वी से डिवाइड कर लिया पर यूनिट वॉल्यूम यानी एम बाई वी क्या हो गया रो हो गया सो ये तीनों का सम क्या रहता है कॉन्स्टेंट दैट इज इन द लैंग्वेजियल वर्ड्स ओके नाउ नोट दैट इन अप्लाइंग द एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल This is the assumption that no energy is lost due to the friction. हमने एक ऐसा assumption लिया है कि friction के through कोई energy loss नहीं हुआ. Otherwise, reality में जब कोई fluid किसी pipe में से flow करता है ना, तो उसके surface पे क्या लगता है? Friction लगता है. Friction लगता है तो कुछ energy तो क्या हो जाता है? Loss हो जाए जाता है. Loss हो ही जाता है. But in fact, when the fluid flows, some energy does get lost. Due to the internal friction and this arises due to the fact that in the fluid flow different layers of the fluid flow with a different velocities alag alag layer alag alag velocity se flow karta hai okay humne abhi to wahi baat ki ki pipe aur fluid ke beech mein kuch friction lagega but reality mein jo fluid flow karta hai wo layer mein flow karta hai ek layer ke upar dusra layer ke upar ye layers ke beech mein bhi friction lagta hai and this friction is known as viscosity yahan pe chapter end hoga shayad Okay, उसको क्या बोलते हैं विस्कोसिटी एंड दिस लेयर एक्सर्ट अ फ्रिक्शन फोर्स ऑन ईच अदर रिजल्टिंग इन अ लॉस ऑफ एनर्जी वो एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगाएंगे और जब फ्रिक्शन फोर्स लगता है तो एनर्जी का क्या हो जाता है दिस प्रॉपर्टी ऑफ द फ्यूल इज कॉल्ड विस्कोसिटी एंड इज डिस्कस्ड मोर इन डिटेल इन द लेटर सेक्शन द लॉस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी एंड दस द बर्नौलीस इक्वेशन आइडियली अप्लाइज टू द फ्लूइड विद अ जीरो विस्कोसिटी और दैट इज नॉट पॉसिबल बट फिर भी आइडियल सॉल्यूशन के लिए हम समझ सकते हैं आइडियलिटी के लिए जिसका जीरो विस्कोसिटी है उसको ही और जो नॉन विस्कस फ्लूइड है उसको कौन सा इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं बर्नौलीस अनदर रेस्ट्रिक्शन ऑन एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीस थ्योरम इज दैट फ्लूइड मस्ट बी इनकम्प्रेसिबल थ्रू आउट द पाइप फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल रहना चाहिए एज द इलास्टिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड इज नॉट टेकन इन टू द consideration now in practice elastic energy consideration nahi liya that means elastic energy consideration tab aata jab fluid kya hota compressible hota kya hota compressible some region mein wo compress ho jata fir wapas expand ho jata elastic property ki wajah se wapas compress wapas expand but humne wo ignore kiya kyunki agar usko involve karte to study aur complex ho jata in practice it has a large number of useful application and can help explain a wide variety of phenomenon for a low viscosity incompressible fluid uske liye hum acche se apply kar sakte hain jinka viscosity kya hai low hai aur incompressible hai okay jo compressible hai aur jinka viscosity high hai unke liye to wo problem hai hi bernoulli's equation ka limitation aa jata hai wahan pe bernoulli's equation also does not hold for a non steady or a turbulent flow because in that situation viscosity and pressure are constantly fluctuating with time when the fluid is at a rest position its velocity is zero everywhere and so Bernoulli equation become velocity wala term nikal gaya 1 half rho 1 v1 square 1 half rho v1 square nikal gaya aur idhar se kya nikal gaya 1 half rho v2 square kyunki dono kya ho gaye zero kyunki fluid kya ho gaya steady so you will get v1 equals to p1 plus rho gh equal equals to p2 plus रो जी एच P2 उधर जाएगा रो जी एच वन उधर जाएगा P1 माइनस P2 इक्वल्स टू तो आ गया डेल्टा P इक्वल्स टू रो जी एच यही प्रूव किया था ना हमने डेल्टा P इक्वल्स टू रो जी एच आगे गया इनडायरेक्टली प्रूव थ्रू द बर्नौलीस इक्वेशन